वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू अल्पाहार, मेरा नाम अल्पा शाह है। आज मैं बच्चों का फेवरेट हॉट चॉकलेट स्टरर बनाने वाली हूँ। ये बच्चों को तो क्या देखकर बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। ठंड में या बारिश में हमें गर्म दूध पीने की अक्सर गर्म दूध पीने का मजा आता है। अगर हॉट चॉकलेट में इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे स्टरर के साथ तो बहुत ही मजा आएगा। मैं आज 3 तरह के स्टरर बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको चॉकलेट कंपाउंड के बारे में बता दूँ। मैंने इस तरह से स्लैब लिया है चॉकलेट कंपाउंड का। ये 400 ग्राम का स्लैब आता है, यानी कि 100 ग्राम के 4 ब्लॉक्स आते हैं। ये कोई भी एक सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसे हमें लेके बाहरी रूम टेम्परेचर पे रखना होता है और अगर हम इसे थोड़ा सा यूज करके फिर से रखना है तो अच्छे से पैक करके हमें स्टोर करना है। मैंने तीनों तरह की चॉकलेट्स ली हैं, व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। मैंने ये जो 100 ग्राम का स्लैब आता है उसमें से 50 ग्राम लिया है। मैं 3 फ्लेवर के एक एक स्टरर दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो डबल बॉयलर यानी कि नीचे पानी रख के ऊपर आप इसे मेल्ट करके यूज कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स के लिए मैं माइक्रोवेव कर लूँगी। ये देखिए 30 सेकेंड्स में ही अच्छे से चॉकलेट पिघल चुकी है। अगर ये 30 सेकेंड्स में मेल्ट नहीं होती तो आप 10 से 20 सेकेंड के लिए फिर से रख सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से मिक्स करने के बाद फिर रखिएगा। लगातार कंटिन्यूस इसे 40-50 सेकेंड्स के लिए नहीं रखना है। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है चॉकलेट। हम सबसे पहले आज कॉफ़ी हेजलनट फ्लेवर का बना रहे हैं, चॉकलेट कॉफ़ी हेजलनट फ्लेवर। इस तरह से मेल्ट करने के बाद मैं आज इस ग्लास में इस तरह से सेट करने वाली हूँ। आप चाहें तो आपके पास अगर पफिंग सिलिकॉन मोल्ड्स हो या सिलिकॉन पेपर कप्स हो या मफिंग पेपर कप्स हो उसमें भी आप सेट कर सकते हैं। मैं आज इस तरह से ग्लास में सेट करने वाली हूँ। और स्टरर बनाने के लिए मैंने ये आइसक्रीम स्टिक ले ली है। आप चाहे तो इसी तरह जो वुडन की स्पून आती है यानी चम्मच वो भी यूज कर सकते हैं, इसे भी यूज कर सकते हैं। और अगर सिर्फ घर के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से स्टील की स्पून भी यूज कर सकते हैं, छोटी वाली। सबसे पहले मैं इसमें डार्क चॉकलेट में 1/2 टीस्पून कॉफी पाउडर, इंस्टेंट कॉफी पाउडर जो भी हो हमारे पास वो डाल सकते हैं आप, वो डाल दूंगी। गरम दूध और कॉफी सबको बहुत ही पसंद आती है, बड़े हो या छोटे। और उसमें कॉफी के साथ ये मेरे पास हेजल नट्स हैं, मैंने जिसे रफली चॉप कर लिया है। मैं थोड़े से इसमें डालूंगी और थोड़े गार्निशिंग के लिए रखूंगी। इस तरह से मिक्स करने के बाद एक कप में हम ग्लास में डाल देंगे। इस तरह से मैंने डाल दिया है। अगर साइड में कुछ लग जाता है तो आप पेपर नैपकिन से इसे क्लीन कर लीजिए ताकि जब हम डिमोल्ड करें तो कोई दिक्कत ना हो जाए। और अब हमें इसे इस तरह से टैप कर लेना है ताकि कोई भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए। अब जो बाकी बचे हेजलनट्स हैं वो हम डाल देंगे। चॉकलेट थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो वैसे ही वो जमने शुरू हो जाएगी। अब हम इस तरह से बीच में
स्टिक को डाल देंगे और इस तरह से हम सेट कर देंगे। अब हम इसे नॉर्मल फ्रीज में सेट करने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब मैं व्हाइट चॉकलेट में से बनाने वाली हूँ स्टरर, वो है मिल्क मसाला स्टरर, जो बड़ों को भी बहुत ही पसंद आता है। उसके लिए मैंने ये 50 ग्राम व्हाइट चॉकलेट ले ली है जो रूम टेम्परेचर पर ही है। इसे हम 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। ये देखिए 30 सेकेंड्स में ही अच्छे से मेल्ट हो गई है। जो भी थोड़ी थोड़ी गट्ठे आपको दिख रहे हैं वो भी इस तरह से मिक्स करने से एकदम मेल्ट हो जाएंगे। और इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करने से जो गर्माहट ज्यादा है वो भी कम हो जाएगी। ये गिफ्ट देने के लिए बहुत ही आइडियल चीज है। आप दिवाली, क्रिसमस या बर्थडे में भी गिफ्टिंग में इसे अच्छे से रैप करके बहुत ही मजेदार बना सकते हैं, सबको बहुत ही पसंद आएगा। देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये मैंने मिल्क मसाला लिया है जो मैंने घर पर ही बनाया है, जिसमें बादाम, पिस्ता, केसर और इलायची का मिल्क मसाला बनाया हुआ है। मैं इसे इसमें डाल दूंगी करीबन 1 टेबलस्पून। ये ड्राई गुलाब की पंखुड़ियां हैं जिसे मैंने एकदम फाइनली चॉप कर लिया है, ये भी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के लिए। अगर आपको आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसे ग्लास में डाल दूंगी। ये 200 से 250 ml दूध के लिए ये स्टरर इतना पर्याप्त है, प्रॉपर है, इतना जो हमने मेजरमेंट लिया है उसकी उसके लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने भर लिया है। अब उसके ऊपर मैं थोड़ी सी केसर डाल दूंगी। जब ये गर्म दूध में स्टर होगा तब बहुत ही केसर का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। ऑलरेडी मैंने मिल्क मसाला में केसर डाला हुआ है और थोड़े से ऊपर से रोज पेटल्स, और अब हम इसमें स्टिक लगा देंगे। पहले टैप कर लेंगे और उसके बाद स्टिक लगाएंगे। और अब हम इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब थर्ड हम बनाने वाले हैं ओरियो चॉकलेट स्टरर। अक्सर बच्चों को ओरियो बिस्किट गर्म दूध में डिप करके खाने की हैबिट होती है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। आज हम वही एक स्टरर बनाए देंगे। उसके लिए मैंने ये मिल्क चॉकलेट ली है 50 ग्राम। इसे मैं मेल्ट कर लूंगी। ये देखिए 30 सेकेंड्स में अच्छे से मेल्ट हो गई है। आप अपनी चाहे उतनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं। गर्म दूध के साथ जो भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता हो उस तरह के स्टरर्स बना के स्मॉल स्केल पे आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। अक्सर गृहिणियां, हाउसवाइफ्स घर पे बैठे कुछ ना कुछ छोटा सा बिजनेस करना चाहती है, और बाहर ये मार्केट में एक एक स्टरर बहुत ही महंगा मिलता है। 50 से 80 से 100 रुपए तक का एक एक स्टरर मिलता है। तो आप जरूर से इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई। ये मैंने 3 ओरियो बिस्किट का चूरा लिया है जिसे मैं थोड़े सा इसमें डालूंगी और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। मैंने इसे रफली तोड़ ही लिया है। ये आप चाहें तो डार्क चॉकलेट में भी इसे बना सकते हैं, व्हाइट चॉकलेट में भी बना सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन अच्छा लगे उसमें बना सकते हैं। अब मैं ये ग्लास में डाल दूंगी। इस तरह से डालने के बाद मैं इसे टैप कर लूंगी। अगर साइड में कुछ लगा है तो आप क्लीन कर लीजिए। ऊपर से थोड़ा सा ओरियो बिस्किट।
से देख के तो बड़े और बच्चे फटाफट दौड़ते आएंगे दूध पीने के लिए। अब मैं स्टिक डाल दूंगी। थोड़ा सा इसे दबा दूंगी ताकि ये निकल ना जाए। अब मैं इसे भी सेट करने के लिए रख दूंगी आधे घंटे के लिए। हॉट चॉकलेट स्टरर्स तीनों सेट होके तैयार हैं। मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाते हैं। देखिए, सिर्फ इस तरह से ग्लास को हमारे हथेलियों से थोड़ा सा इस तरह से रब करना है और इसे ऊपर की तरफ निकालेंगे इस तरह से घुमाते हुए। देखिए, ये मसाला मिल्क स्टरर कितना क्यूट लग रहा है। देखिए, ग्लास में से आसानी से निकल जाता है। ये कॉफी हेजलनट, इसे भी निकाल लेंगे। ओरियो चॉकलेट स्टरर, ये देखिए, बच्चे तो इसे देख के पागल ही हो जाएंगे। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं तीनों स्टरर और बहुत ही टेम्पटिंग, मुंह में पानी आ जाए वैसे। और कुछ नया है, आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। और इसे प्लास्टिक में रैप करके ऊपर से क्यूट सी रिबन बांध के पैक करके आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि इसकी बहुत ही डिमांड है आजकल। नवरात्रि आ रही है, दिवाली में, क्रिसमस में इसे आप गिफ्ट दे सकते हैं, बर्थडे पार्टी की गिफ्ट भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए। और इसमें और फ्लेवर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, मैं ज़रूर से इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगी। अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर से प्रेस कीजिए। इसे आप बाहर ही रूम टेम्परेचर पे 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं और अगर फ्रिज में रखते हैं तो आप इसे 3 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ही लॉन्ग है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाया कैसे जाता है। मैंने ये एक कॉफी मग, आप कोई भी ले लीजिए, मैं अभी ट्रांसपेरेंट ग्लास ले रही हूँ ताकि आपको दिखाई अच्छे से दे। मैंने अच्छे से गर्म दूध ले लिया है, आप देख सकते हैं धुआं निकलता दूध है। हम हॉट चॉकलेट बना रहे हैं, हॉट चॉकलेट स्टरर। अब हमें इसे इसमें डिप कर लेना है और इसे स्टर करते जाना है। ये देखिए, धीरे धीरे गर्म दूध की वजह से ये मेल्ट होता जाएगा। हमें कोई भी शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से स्टर करते जाना है, इसीलिए इसे स्टरर कहा जाता है, हॉट चॉकलेट स्टरर। इस तरह से स्टर करते जाएंगे, ये धीरे धीरे देखिए मेल्ट होता जा रहा है। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी ये मेल्ट हो जाएगा। मैंने ये मसाला मिल्क वाला जो स्टरर बनाया था हमने, उसका मैं हॉट मिल्क चॉकलेट बना रही हूँ। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, ये देखिए।